2 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़, 4 गीगाहर्ट्ज़। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये गीगाहर्ट्ज़ क्या होती है, प्रोसेसर क्या होता है और ये कैसे काम करता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है और ये कैसे काम करता है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान ज्योति, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि इस कंप्यूटर में इंटेल का प्रोसेसर है, इसमें एएमडी का प्रोसेसर है। आपने ये भी सुना होगा कि इसमें इतने गैजेट का है, इसमें इतने गैजेट का प्रोसेसर है। क्या आपको पता है गीगाहर्ट्ज़ क्या होते हैं? आज हम बताने वाले हैं गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है। गीगाहर्ट्ज़ में जो शुरू का जी होता है उसका मतलब होता है मिलियंस, और जो आगे एचजेड होता है इसका मतलब होता है टाइम पर सेकेंड, यानी कि आपका प्रोसेसर कितनी मिलियन इन्फॉर्मेशन को एक सेकेंड में मैनेज कर सकता है। यानी आपका प्रोसेसर अगर 2 गीगाहर्ट्ज़ का है तो आपका प्रोसेसर 2 मिलियन इन्फॉर्मेशन पर सेकंड में सोल्व कर सकता है। अगर आपका प्रोसेसर 4 गीगाहर्ट्ज़ का है यानी कि आपका प्रोसेसर 4 मिलियन इन्फॉर्मेशन एक सेकंड में सोल्व कर सकता है। अब बात करते हैं कि प्रोसेसर में कोर होती है वो क्या होता है। कोर वैसे कम प्रोसेसर का एक मेन पार्ट होती है, यानी ये प्रोसेसर उसके अंदर कुल कितनी कोर है, यानी कि एक कोर है इसका मतलब उस प्रोसेसर की स्पीड एक कोर की होगी, मगर ड्यूल कोर है तो इसका मतलब उसमें उसी स्पेसिफिकेशन के डबल प्रोसेसर लगे हुए हैं जो आपको डबल पावर देते हैं। अगर आपका 8 कोर है तो आपको 8 कोर स्पीड मिलेगी। और बात करते हैं प्रोसेसर में ये वाट होते हैं, ये क्या होता है। जैसे कि अगर आपका मोबाइल प्रोसेसर है तो वो आपको कम पावर एफिशिएंसी मिलेगा, यानी वो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचाएगा, वो कम वाट का होगा। मगर जो कंप्यूटर में होते हैं नॉर्मल वो होते हैं लगभग 65 वाट से लेकर 75 वाट तक, ये होते हैं वाट। और अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, उन्हें फिक्स करते हैं, फिर डिकोड करते हैं, उसके बाद उन्हें स्टोर करते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट देते हैं। ये होते हैं ट्रांजिस्टर का काम। ये आपने नैनोमीटर के बारे में सुना होगा कि ये प्रोसेसर इतने नैनोमीटर का है, ये प्रोसेसर इतने नैनोमीटर का है। तो ये नैनोमीटर क्या होते हैं? मान लो आपके प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनके बीच की जो गैप होता है वो होता है नैनोमीटर। पहले ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था मगर अब नैनोमीटर में आ चुका है, यानी कि आपका जो प्रोसेसर है जितने कम नैनोमीटर का होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचाएगा, उतना ही फास्ट होगा। ये होते हैं नैनोमीटर। मान लो आपका 2 ट्रांजिस्टर है, उसके बीच की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से इस ट्रांजिस्टर से इस इन्फॉर्मेशन इस ट्रांजिस्टर में जाएगी, जितना समय लगेगा उससे वो आपकी एनर्जी लॉस होगी, साथ ही साथ प्रोसेसर की स्पीड कम होगी। अगर ये कम हो जाए दूरी बीच की तो आपका प्रोसेसर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचाएगा। ये होते हैं नैनोमीटर का काम। और बात करते हैं कि सीपीयू कैसे काम करता है, यानी कि उसके अंदर क्या प्रोसेसर होती है। देखिए, आपका जो कंप्यूटर है, यानी जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो आपके सीपीयू को इन्फॉर्मेशन भेजता है 0101 के डेफिनेशन में। अब प्रोसेसर उन्हें लेता है ट्रांजिस्टर में, उन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो जो आपका काम है वो पूरा होता है। पहले वो प्रोसेसर आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है यानी फिक्स करता है, उसके बाद उसे डिकोड करता है यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करेगा, उसके बाद उसे स्टोर करेगा और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये होता है उसका काम कैसे करता है वो। और बात करते हैं कि ये कंप्यूटर में एक साइकिल जो साइकिल हुआ फिक्स डिकोड एंड स्टोर, इसे एक साइकिल कहते हैं। ये एक साइकिल मतलब एक हजार्ट होता है। अब बात करते हैं गीगाहर्ट्ज़ कैसे बनता है। मान लो आपके पास 1 हजार्ट है, उसे आप गुणा करते हैं 10^9 से, ये हो गया आपका गीगाहर्ट्ज़। आप अगर कंप्यूटर 2 गीगाहर्ट्ज़ का है तो आप उसे इसी फॉर्मूला के जरिए आप निकाल सकते हैं कि आपका प्रोसेसर कितनी हजार्ट का है। ये होती है हजार्ट। वाट आपको पता चल चुका होगा कि प्रोसेसर कैसे काम करता है, इसमें वाट क्या होती है, गीगाहर्ट्ज़ क्या होती है, कोर क्या होती है, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, नैनोमीटर क्या होते हैं, और ये जो इसकी साइकिलिंग इन्फॉर्मेशन है कि ये पहले फिक्स करता है, डिकोड करता है, उसके बाद स्टोर करता है और आपको जानकारी देता है। ये होते हैं प्रोसेसर के काम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि प्रोसेसर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।